हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस टाइम हो रहा है एक, हम 12 बजे उठ गए थे और मैं चाय वाय तो पी ली है, चीकू लगा हुआ अपनी माइनक्राफ्ट को खेलने में और रोब्लॉक्स खेलने में, ये दो गेम्स खेलते हैं। तो अब देखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, वैसे जो भी होगा वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही है गर्मी दिन बर दिन बढ़ जा रही है। मेरे को लगा मानसून आएगा, बट आ ही नहीं रहा यार। आ जाएगा तो नहा लेंगे ना फिर से बारिश में। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिलते हैं आपसे और बताते हैं आपको क्या खाते हैं। और तो शायद दीदी आएंगी तो देखते हैं कहाँ जाते हैं उनके साथ। तो गाइस फाइनली दी आ चुकी हैं 5 दिन बाद, अपना ऑफिस ख़त्म हो गया है तो आज वो आ गई हैं। जीजू तो वहीं गए हुए हैं तो वो आए नहीं हैं, नहीं कोई ये नहीं दी। चीकू के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता उसकी मम्मी आए ना, क्योंकि वो मेरे साथ इंजॉय करता है इसलिए। क्यों चीकू, देखो अभी थोड़ा शर्मा रहा है ना, शर्मा रहा है पर असली में इतना शर्मीला है नहीं, आपको पता ही, आपने देखा ही है इसको कैसा बच्चा है। देखते हैं हम क्या खाते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या प्लान करते हैं खाने का। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं और चीकू जा रहे हैं नीचे। नीचे क्यों जा रहे हैं, नीचे हम जा रहे हैं छोले भटूरे लेने। यहाँ पे एक बहुत फेमस खुला है नागपाल छोले भटूरे वाला, वो जो दिल्ली में बहुत फेमस है, तो मेरे यहाँ मार्केट में भी खुल गया। मिस्टर भटूरे के तो हम खाते ही रहते हैं, पर अब हम उसके खाने जा रहे हैं। सब एक खाएंगे ट्राई करने की कैसा है उसका टेस्ट, दिल्ली वाला है कि नहीं है। ये देखो ये रहा चीकू, तो देख के आते हैं कैसा है, फिर मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ है और कैसे है उसके भटूरे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं, ये मार्केट है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ, तो दिस इज वेयर वी आर केम, नागपाल छोले भटूरे। तो अंदर जाते हैं ऑर्डर करते हैं और घर लेके जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमने ऑर्डर कर दिया अपना, इधर कोई बैठा चीकू, तो हमने ऑर्डर कर दिया। मैं आपको अभी एम्बियंस दिखाता हूँ किस तरीके का एम्बियंस है, एम्बियंस अच्छा बना रखा है। वैसे मैंने दिल्ली वाले के खाए नहीं है बट उसका नाम बहुत सुना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका एम्बियंस कैसा है। ऑर्डर करते हैं, पैक करवा के घर जाएंगे, घर जाए खाएंगे। इसको नींद आ रही है, प्लीज़ उसको अवॉइड करो। ये देखो गाइस ये है नागपाल छोले भटूरे वाला, जो दिल्ली का बहुत फेमस है। देखो ही इज़ द ओनर एंड देखो कितना अच्छा है, छोटा सा और क्यूट सा आउटलेट है ये देखो। अब तो मैं इसी ही खाऊंगा एक बार मुंह पे लग गए। तो गाइस मेरे छोले भटूरे और तड़का छाछ आ चुकी है, तो ये खाते हैं फिर शायद हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना मैं आपको बताऊँगा, पहले ये खा लेता हूँ फिर नहाने जाऊँगा। तो गाइस टाइम हो रहा है 4, अब मैं दी और चीकू जरा जा रहे हैं मॉल तक। मॉल तक क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, दी लेके जा रहे हैं मेरे को और चीकू को, तो हम बस पीछे पीछे जा रहे हैं। आपको तो पता है दी आती हैं तो हमें घूमना मिलता है, तो बस घूमने से कौन मना करेगा। ये देखो जूते चप्पल पहन रहे दोनों, मैं तो अपने पहन चुका हूँ और बाल मेरे ज़्यादा बड़े हो चुके हैं इसलिए ढंग से हेयर स्टाइल नहीं हो पा रहा, तो अभी मुझे कटवाने हैं। एक दो दिन देखता हूँ अगले महीने कटवाता हूँ कब कटवाता हूँ। अभी निकलते हैं, मिलते हैं आपसे फिर। देख रहे हो कितना गंदा पानी है, यही तो दिक्कत है हमारे इंडिया की, साफ नहीं करते नदियों को। अगर नदियों को साफ करते तो कितना मजा होता ना, पर क्या कर सकते हैं ये लोग, कुछ साफ सफाई ना करें। इनको तो बस अपने वोटिंग से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, बस हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो मॉल आते ही सबसे पहला काम पता क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि हमें अपना मास्क लगाना होता है। ये देख रहे हो प्रेस भी नहीं है, प्रेस कैसे होगा जब इतने दिनों से मास्क लगाया ही नहीं, तो प्रेस कैसे हो राइट। तो मॉल जा रहे हैं, आज तो भीड़ होगी वीकेंड में, मिलता हूँ आपसे। देखो एंट्रेंस कितनी सुंदर है, ये मॉल अच्छा है। मेरे घर से सबसे पास यही वाला मॉल है, गौर सिटी मॉल, मेरा सुपर स्टॉप, सेल लगी हुई है इसमें, किसी को आना हो तो आ जाओ। मोगू मोगू देख रही हो तो तुम आ जाना, यहाँ पे सेल लगी बहुत तगड़ी। ये देखो ये लाइफ स्टाइल, तो आप कहोगे क्या क्या करके दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं वो तो मैं बस ऐसे ही। देखो कितना अच्छा लग रहा है मॉल, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं। गाइस एक टाइम था कि चीकू इसमें घूमने के लिए बहुत रोया करता था, नहीं नहीं अब नहीं, पहले बहुत रोता था कि मुझे इसमें घूमना है। बट अब इसका सीन ऐसा नहीं है, तो अभी पूजा दीदी भी आ रही, तो हम उनका वेट कर रहे हैं और दी अभी अंदर है तो वो कुछ देख रही हैं अपना लड़कियों का कुछ, तो उसमें हमारा तो कोई काम है नहीं, इसलिए मैं और चीकू बाहर आ गए हैं। भीड़ है बट कम है DLF के मुकाबले। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे, हम लोग जा रहे हैं घर, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तो जा रहे हैं आगे चीकू दी और पूजा दीदी,
पुरानी गाड़ी बेसमेंट में खड़ी है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6, ये देखो येलो येलो कर रहा है। तो बस अब जा रहे हैं जरा गाड़ी की तरफ, फिर घर जाते हैं। पैर में दर्द हो रहा है इसके, बुढ़ापा आ गया इसको, बुढ़ापा आ गया तेरे को। फिर कैसे मतलब थोड़ा बताओ, मतलब सब पूछ रहे हैं कैसे, मतलब कैसे है, दर्द हो रहे हैं। ओहो आज तो चीकू ने चिप्स ही नहीं खाए पूरे दिन से, शिट रिकॉर्ड टूट गया भाई, वरना अब तक तो 2 पैकेट खत्म कर लेता है। चीकू घर जाके खाएगा, ये घर जाके चिप्स खाएगा, मैं घर जाके चाय पीऊँगा। तो जल्दी से घर पहुँचते हैं, चाय पीते हैं और ये खाएगा चिप्स, और फिर देखते हैं दीघर कहाँ जाते हैं। भाई जब आप सोच रहे हो कि अब कहाँ जा रही है हमारी गाड़ी, ये बॉटल कहाँ से ले आया, अरे मेरी स्प्राइट पी रहे हैं बेशरम, ये पूजा दीदी है ठीक है। अब आप इनकी एज गेस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनकी एज क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली एज क्या है इनकी। वैसे इन दोनों में बताना मेरी बहन में और इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा लगता है, और बताना इनके कोई बच्चा है कि नहीं है, ये भी गेस करके मुझे बताना। और अब ये तो अपने घर जा रही हैं क्योंकि इनको ट्यूशन व्यूशन पढ़ानी होती है, तो मैं दी और चीकू जा रहे हैं कहीं घूमने, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस लास्ट 1 घंटे से ना हम घूम रहे हैं कि हमें कुछ जगह मिल जाए खाने की, बट हमें ना कहीं पे जगह ही नहीं मिल रही कि हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग है हर जगह। तो अभी आपको दिख रहा है अक्टूबर, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा है। वैसे अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी आता है और अक्टूबर कैफे में भी जाते हैं, और देखते हैं इसका खाना पीना कैसा है, और आपको इंटीरियर एम्बियंस दिखाता हूँ अंदर कैसा है, मिलता हूँ आपसे। ये बादामी याद है आपको, यहाँ बताता हूँ मैं घर का सामान लेने रोज़ का खाने पीने का। तो भाई फाइनली हमें सीट तो मिल चुकी है, हम अक्टूबर में आ चुके हैं, आपको पीछे आवाज आ रही होगी, यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है और इसका इंटीरियर बहुत अच्छा और एम्बियंस भी बहुत ही प्यारा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, क्यों कैसा लगा, क्यों कह रहे हैं बढ़िया लग रहा है, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, मोको मोगो भी लेकर आऊँगा, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया इसका इंटीरियर एम्बियंस देख के। हमारा डिनर आ चुका है, अंदर में है तंदूरी रोटी और ये पापड़ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स, ये नाम और ये चीज, तब हम खाते हैं और मिलते हैं आपसे। तो गाइस डिनर करके हम आ चुके हैं, आज मैंने आपको दिखाया था, पहले हम बहुत घूमे जहाँ हम 76 मार्केट जाते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमें टेबल मिली नहीं, तो हम फिर वापस आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि हम यहीं पर आ गए थे जहाँ पे बादामी जाता हूँ उसके ऊपर ही है अक्टूबर, तो फिर हमने पूजा दीदी को बुला लिया तो वो भी आ गई, तो वहाँ डिनर करके आ गए। मम्मी तो गई नहीं थी उनके पैर में दर्द था, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रही। ये देखो ये दोनों ये नीचे गेम खेल रहे हैं, ये देखो ये यहाँ पर सो रही है, और जीजू तो है नहीं है तो सुबह आएंगे, फिर इसलिए यहाँ पर आज स्टे कर रही है, और इसको कोई काम नहीं, मोनोपोली खेलने में लगा रहता है, और ये बहुत बड़ा चीटर है, मम्मी कहती है मम्मी चीटिंग करता है, ये चीटिंग करता है, देख लो मम्मी क्या कह रही है। सो गाइस टाइम हो रहा है रात के 12 एंड दी सो चुकी है येरी, और देखो मेरा छोटू मतलब चीकू, एंड खाना पीना फ्रेश एंड अप सब हो चुका है, और येरी मम्मी। तो गाइस इसी साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।